सो गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ओवर में। सो गाइज आज को हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9 का 2.5 का चैप्टर अ प्ले इसका वार्मिंग अप चिट चैट। अब देखिए गाइज फर्स्ट में बोला गया डू यू लाइक टू वॉच प्लेज, प्लेज यानी कि गाइज गेम यानी कि कोई गेम चालू है वो आपको देखना पसंद है या गाइज पसंद होगा तो यस आई लाइक टू वॉच प्लेज। अब देखिए सेकंड वाले में बोला गया आप सभी को विच इज द लास्ट प्ले यू सॉ। अब देखिए जस्ट सेकंड यानी कि गाइज टीवी पे हर बार लगता रहता है यानी कि नाटक जो कि प्रोग्राम होते हैं टीवी प्रोग्राम होते हैं हमारे वो एक एक्टिंग के तौर पर यानी कि एक्टिंग आपको देखना पसंद। आपने आखिरी एक्टिंग कहां पर दिखी थी, सेकंड वाले में पूछा है विच इज योर लास्ट प्ले यू सॉ यानी कि आपने आखिरी बार नाटक यानी कि एक्टिंग कहां पर दिखी थी, जैसे झूठमूठ का ड्रामा बोल सकते हो आप, ड्रामा यस यस गाइस इसे ड्रामा बोल सकते हो, इस आसान भाषा में आपको भी समझ में आसान हो जाए ड्रामा। ओके आपने आखिरी बार ड्रामा कहां देखा था। सो गाइज अगर आपने किसी सर्कस में कोई ड्रामा देखा था या तो पिक्चर की शूटिंग चल रही हो किसी भी पिक्चर की शूटिंग चल रही हो या तो किसी भी मूवी की शूटिंग चल आई मीन किसी भी सीरियल की शूटिंग चल रही हो वहां पे आपने प्ले देखा होगा तो आपका लास्ट टाइम होगा तो आपको उसकी डेट लिख सकते हो। अब देखिए थर्ड में दिया गया है डू वॉच टीवी सीरियल्स गाइस क्या है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया डू वॉच टीवी सीरियल्स, आप टीवी सीरियल्स देखते हो, टीवी की जो भी मालिकाएं लगती है वो देखते हो, सीरियल्स देखते हो विच वंस, अब देखते हो तो कौन सी देखते हो, जैसे कि बहुत सारे जी टीवी पे भी बहुत सारी सीरियल्स, वैसे बहुत सारे सीरियल्स आप जी पाई पे देखते हो या जो टीवी पे देखते हो या तो टीवी पे भी देखते होगे तो वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स कलर्स बिलर्स रिश्ते जैसे मराठी में भी बहुत सारे चैनल, हिंदी के भी बहुत सारे सीरियल वाले चैनल है वहाँ पे आपने देखा होगा, देखा होगा तो आप कोई भी नाम देख सकते हो जैसे कि कुमकुम का ऐसे बहुत सारी सीरियल्स लगती है, मैं उसी एक का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी सीरियल्स वहाँ पर लगती है। अब देखिए आपको बोला गया है सेकंड में डू यू लाइक स्लो मूविंग सीरियल्स यानी कि अब देखिए स्लो मूविंग यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्लोली सीरियल्स जो चलती है वो आपको पसंद है क्या, यहाँ पे बोला गया है अगर पसंद होगा तो यस आई लाइक एंड नहीं है तो नो आई डोंट लाइक। ओके और लास्ट में पूछा गया आप सभी को डू यू लाइक टू स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, अब देखिए डू यू लाइक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट यानी कि पास्ट टेंस में जो स्टोरीज हुआ करती थी वो आपको पसंद है क्या, पास्ट टेंस की स्टोरीज जैसे कि सीरियल में कभी कभी शिवाजी महाराज या तो झांसी की रानी या तो बहुत सारी ऐसी लक्ष्मीबाई इस तरीके से उनकी स्टोरीज पास्ट स्टोरीज दिखाई जाती है क्या आप सभी को पसंद है, पसंद होगी तो जस्ट बोल दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, अब किस तरीके की स्टोरीज आप सभी को पसंद है जैसे कि आप मिस्टीरियस स्टोरीज अब देख सकते हो जैसे कि साइंटिफिकेशनल स्टोरीज बहुत सारे स्टोरीज किस टाइप होते हैं तो उसमें से कौन सा पसंद है। अब दिया गया है टू ट्रूथ्स वन लाई, अब यहाँ पे एक दो सत्य और एक झूठ इस तरीके से। अब दिया गया है मेक अ ग्रुप 10 to 15 इन द गेम, ईच पर्सन राइट्स 3 sentences अबाउट हिमसेल्फ हर सेफ, टू ऑफ द विच इज द ट्रू एंड द थर्ड लाई। अब देखिए गाइस यहाँ पर लड़ाई दी और सेंटेंसेस वाइल द गेस विच इज द ट्रू एंड द ट्रू एट द एग्जाम्पल्स, हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम लिव इन अमलनर, वी हैव टू पे डॉग एट होम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्या बोला गया ना गाइज आसान भाषा में, सबसे पहले मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, रुको जरा जस्ट सेकंड गाइज। सो गाइज आपको इसमें क्या करना है ना 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप करना है, वो एक गेम है, अब इजी तरीके से खेल सकते हो इसे मैं जैसा बताता हूँ। अब देखिए क्या करना है ना आपको एक व्यक्ति को ना 3 sentences लिखने हैं, उसमें क्या वो 2 सच बोलेगा और 1 झूठ बोलेगा लेकिन बाकी जो 14 है ना उसमें उसने कौन सा झूठ बोला है वो आपको पकड़ना है एंड सच जो 2 sentences पकड़े उसको लाइन अंडरलाइन करनी है। ओके अब देखिए जिसके एग्जाम्पल दिया गया है हेलो एवरीवन आई एम सोनाली, आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम लिविंग द अमलनेर, वी हैव अ पेट डॉग एट होम। अब देखिए उसने झूठ कौन सा बोला होगा, लास्ट वाली लाइन जो होगी वी हैव अ पेट डॉग एट होम तो ये उसकी फेक लाइन है। अब आपको क्या करना है ना 10 से 15 लोगों को ग्रुप बना के, अभी मैं तो नहीं बता रहा लेकिन आप सभी को क्या करना है ना 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना के हर एक को 3 lines लिखनी है और बाकी सबको पता करना है कि उसमें 2 lines फेक कौन सी है। ओके यानी कि 1 line 2 lines सच कौन सी और 1 line फेक कौन सी है, लॉस्ट एंड फाउंड यानी कि यहाँ पे उससे हर गुम हो गया और मिल भी गया। अब देखिए डिवाइड द स्टोन्स ग्रुप इन द पाइव दे एंड द सीट इन द सर्कल, दे चूज टू ऑब्जेक्ट डेली यूज सच एज द बैग वॉलेट बॉक्स एक्सेट्रा, ग्रुप लीडर राइट 4 sentences अबाउट इट, आई हैव फाउंड यहाँ पर इट्स कलर इट्स शेप, यहाँ पे देखिए गाइज इट हैज इट फाउंड द प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड। अब देखिए गाइज अभी आपको क्या करना है आई हैव अ फाउंड यानी कि उसके जो फाउंड होगा तो उसके आगे का वहाँ पर लिखना है वॉलेट होगा शायद से उसका या तो कंपास भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते आगे की तरफ देखिए अदर टू राइट द सेंटेंसेस इच, अब सेंटेंस अब देखिए आई हैव लॉस्ट क्या है लॉस्ट तो कलर भी लिख सकते हैं शेप इस तरीके से आपको उसका जो लॉस्ट होने वाला है वो एंड उसका फाउंड होने वाला है वो। अब देखिए दे ऑल द ओपन रीड्स द बिगिनिंग इज द ग्रुप इज द लीडर उज द डिस्क्रिप्शन मैचेस द ग्रुप, अब देखिए यहाँ पे मैच करना है यानी कि देखिए
आई हैव फाउंड कंपास, तो नीचे क्या आ गया, आई हैव लॉस्ट माय कंपास, यहाँ पर इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर होते हैं ये वार्मिंग अप, चिट चैट करता हूँ। आई होप मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। आगे वीडियो दिख रही है उसको देखो, इन्जॉय करो।